a ruler, number one step was using a ruler, draw a line segment AB of length 10 centimeter. Use a very sharp pencil and draw a line segment with a scale of 10 centimeter. Write down the point A, point B, and write down its length 10 centimeter. Number two step is going to be adjust the arms of the compasses so that the distance between the ends is more than half of the length of AB, more than 5 centimeter. With A as center, draw arc 1 above AB and draw arc 2 below AB. Now this point is the main thing. The main thing is here that from you are going to open your compass more than the distance of half of the line. Remember, you did the same thing in the software also. You are going to take more than half of the compass. You're going to open the compass more than half of this line. What is the half of 10 centimeter? The half of 10 is 5 centimeters, right? So you're going to open the compass more than 5 centimeter because the half of 10 is 5. 10 ka half 5 hota hai, to aapko compass jo open karna hai, wo 5 se zyada open karna hai. You can take 6 centimeter, you can take 6.5 centimeter, right? And then you're going to place the arc A ko apna pehle aap compass rakhenge A ke upar, center A par. You're going to put your compass on A. Alright, यहाँ बिल्कुल H पे रखेंगे कंपास को, नीडल को यहाँ रखेंगे और फिर पेंसिल से जो है वो आप अपना आर्क बनाएंगे, वन हेयर ऑन द टॉप एंड वन बिलो हेयर ऑफ द लाइन. ऑलराइट, योर आर्क्स विल बी लाइक दिस. A के ऊपर कंपास रखेंगे, पहले आपने कंपास की नीडल यहाँ रखी, आर्क वन, आर्क टू. नीडल को मूव नहीं करना, A पे रख के ही आपको एक ऊपर आर्क बनाना है लाइन के और एक बिलो द लाइन, नीचे बनाना है लाइन के. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर लाइक आर्क वन. अभी आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी से हम कंप्लीट करेंगे. कंप्लीट कैसे करेंगे, फिर आप जो है वो आर्क थ्री और फोर बनाएंगे यूजिंग. नाउ यू आर गोइंग टू अब डिस्टेंस, अभी भी आपको कंपास का डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं करना, सेम उसी को उठा के आप रखेंगे बी पर. कंपास को अब आपने रख दिया यहाँ पर पॉइंट बी पे, और बी पे रख के आपने इन आर्क्स को कट करना है. ठीक है, आप अपना कंपास मूव करेंगे तो आपको ये आपका यहाँ पे कट होगा इस तरह से, लाइक दिस. ठीक है, लाइक दिस यू आर गोइंग टू ड्रॉ योर आर्क थ्री एंड आर्क फोर. दिस इज आर्क थ्री एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आर्क फोर, राइट? तो ये आपके आर्क्स बन जाएंगे. जब आपके आर्क्स बन जाएंगे तो आपको देन यू आर गोइंग टू सी द पॉइंट थ्री. यू ओके, पॉइंट थ्री इज ऑल्सो डन. मैंने आपको पॉइंट थ्री बता दिया. पॉइंट थ्री में यही है कि यूजिंग द सेम रेडियस एज इन स्टेप टू. सेम रेडियस मीन्स हाउ मच कंपास यू विल ओपन, जितना आपको कंपास खुला हुआ था, मोर देन हाफ. ओके, स्टेप टू इज टू विद बी एज सेंटर, आपको अपना आर्क रखना है, कंपास रखना है बी पर. सेंटर, सेंटर मीन्स कि आपको कंपास कहाँ रखना है, विद बी एज सेंटर, सो बी के ऊपर कंपास रखना है. ड्रॉ आर्क थ्री टू कट आर्क वन. आर्क थ्री बनाएंगे आर्क वन के ऊपर, आर्क फोर बनाएंगे आर्क टू के ऊपर. ठीक है, एंड देन यू आर गोइंग टू ऑल्सो नेम देम एज एक्स एंड वाई. जो आपके आर्क्स जब कट करेंगे तो हम इनको नेम दे देंगे. दिस इज गोइंग टू बी द एक्स, दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी द वाई. ऑलराइट, ये आपके आर्क के सेंटर होंगे, एक्स एंड वाई हो जाएंगे. ठीक है, एंड देन यू आर गोइंग टू रीड द लास्ट पॉइंट. फोर इज जॉइन एक्स वाई टू कट ए बी एज एट एस. यू आर गोइंग टू नाउ जॉइन एक्स वाई विद अ स्केल. ओके, एंड एक्स वाई इज गोइंग टू कट ए बी, सो हियर यू विल गेट 90 डिग्री एंगल एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी पॉइंट एस. द सेंटर पॉइंट इज गोइंग टू बी, द मिड पॉइंट इज गोइंग टू बी पॉइंट एस. एंड देन वॉट यू विल डू टू गेट टू नो कि आपने अपना परपेंडिकुलर बिल्कुल परफेक्ट बनाया है कि नहीं बनाया, यू आर गोइंग टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू एस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम एस टू बी. ऑल राइट, यू आर गोइंग टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू एस एंड देन एस टू पॉइंट बी. ऑल राइट, तो आपको डिस्टेंस देखना है. अगर इसका डिस्टेंस जो है वो आपने अगर बिल्कुल परफेक्ट कंस्ट्रक्शन की होगी तो आपका डिस्टेंस ये यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आएगा और ये भी 5 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 10 का हाफ आपका हो जाएगा ये. दिस लाइन इज गोइंग टू बी द दिस दीज डिस्टेंस शुड बी इक्वल. ऑल राइट, so if the perpendicular xy you can now see that xy is the perpendicular bisector of AB. all right, and you have to notice that AS and BS should be equal. all right,
So this is how we are going to construct our perpendicular bisectors. All right.